ये Redmi 2 मोबाइल है और इस मोबाइल में खराबी है कि इसको हम जब ऑन करते हैं तो ऑन करने पे सिर्फ MI पे रुका हुआ रहता है, और इस खराबी को ठीक करने के लिए हम इस मोबाइल को फ्लैश करते हैं। इस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हमारे पास की फ्लैश फाइल होना चाहिए। उस फ्लैश फाइल को हमको डी ड्राइव में कॉपी करना होता है, जैसे कि अभी हमने इस मोबाइल की फ्लैश फाइल को डी ड्राइव में कॉपी करके रखा हुआ है। अब इस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए हमारे पास MI फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसके लिए हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं और ये MI फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। इसके बाद अब हम मोबाइल को ऑफ कर लेंगे, और मोबाइल को ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन बटन दबाएंगे और पावर बटन दबाएंगे। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाते ही मोबाइल की स्क्रीन पे फास्ट बूट लिखा आ जाता है, और फास्ट बूट लिखा आने के बाद हम मोबाइल को USB केबल द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, और रिफ्रेश पे क्लिक करते ही यहाँ पे डिवाइस आईडी लिखी आ जाती है। इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमारे कंप्यूटर में फ्लैश फाइल डली हुई है इस मोबाइल की, जैसे कि हमने डी ड्राइव में डाल के रखी हुई है, और डी ड्राइव के अंदर जाके इमेजेस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। और ओके करने के बाद यहाँ से हम एडवांस में जाएंगे, और एडवांस में जाके ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव के अंदर इस मोबाइल की जो फाइल डली हुई है उसके फोल्डर में जाके और फ्लैश ऑल BAT वाली फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे, और यहाँ से इसको क्लोज करके फ्लैश ऑल पर टिक लगा के हम फ्लैश पर क्लिक कर देते हैं। अभी हमने इस मोबाइल को फ्लैश भी कर लिया, और फ्लैश करने के बाद भी ये मोबाइल MI पर रुका हुआ है। तो यदि इस प्रोसेस से हमारा मोबाइल ठीक नहीं हो पाता है फ्लैश करने के बाद भी, तो इसके अंदर हमको मोबाइल में रिकवरी इंस्टॉल करना होती है। रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए हमको इसकी रिकवरी फाइल की ज़रूरत होती है, जो कि हमने अभी डाउनलोड करके रखी हुई है अपने कंप्यूटर में। ये हमने CWMMD5 Redmi 2 की रिकवरी डाउनलोड करके रखी हुई है, और इसको हमने एक फोल्डर में डाल दिया जिसका रीनेम recovery.img कर दिया। इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो हमारा मिनिमल एंड फास्ट बूट टूल होता है उसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे खाली जगह शिफ्ट बटन दबाकर राइट क्लिक करेंगे, ओपन कमांड विंडो ईयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डिवाइस चेक करना है, तो इसके लिए फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइस आईडी लिखी आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमको फास्ट बूट फ्लैश recovery.img टाइप करना होता है, या टाइप कर देंगे हम इस प्रकार से, और एंटर करेंगे। एंटर करते इसमें रिकवरी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ओके और फिनिश टाइम लिखा आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल को रिस्टार्ट करने के लिए फास्ट बूट रिबूट टाइप करके एंटर कर देते हैं। जैसे हम फास्ट बूट रिबूट टाइप करके एंटर करते हैं तो मोबाइल हमारा ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। और अभी इस मोबाइल में जो खराबी थी कि MI से आगे नहीं जा रहा था, इस खराबी को हम चेक करते हैं। इस रिकवरी वाली प्रोसेस को हम तब करते हैं जब हमारा मोबाइल यदि फ्लैश करने के बाद भी सेम कंडीशन पर रहता है, जैसे कि इस मोबाइल में फ्लैश कर लिया था हमने, और फ्लैश करने के बाद भी ये मोबाइल MI से आगे नहीं जा रहा था, तो इसके लिए अभी हमने इस मोबाइल को रिकवरी इंस्टॉल की है। और ये रिकवरी इंस्टॉल होने के बाद ये मोबाइल हमारा इस प्रकार से ठीक हो जाता है।